कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस विकृत हो गई है, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं उनके साथ है। इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, उन्होंने ये भी जिक्र किया। रुद्राक्ष मैं इंदिरा जी का पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने गाली दी है सनातन धर्म को कांग्रेस पार्टी में, किसने गाली दी है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। और ये देखिए, चाहे हमारी परिवार के बारे में चाहे हमारी पार्टी के बारे में, हमेशा इनका यही आक्रमण होता है और झूठा है। चाहे इन्होंने हमारी देशभक्ति पर आक्रमण किया, हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, इसका क्या मतलब है? जब आप अपने परिवार के सदस्य की शहीद उनका शव घर लाते हैं, तब आपको पता चलता है कि देशभक्ति क्या है। उस देशभक्ति पे आप उंगली उठाते हैं, हमको कहते हैं कि हम भ्रष्ट हैं, हमारी ईमानदारी पे उंगली उठाते हैं, कर रहे हैं 10 सालों से। अब बचा क्या है? हमारे धर्म पे भी उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धार्मिक नहीं है, बचा क्या है? इंदिरा जी के बारे में मोदी जी ना बोले, क्योंकि इंदिरा जी के बारे में हम जानते हैं उनका धर्म क्या था। इस देश का जो धर्म है, देशभक्ति का धर्म है, देश के लिए शहीद होना, ये उनका धर्म था, ठीक है। और किसी का हक नहीं है कि उन पर उंगली उठाएं, किसी का हक नहीं है कि उन पर सवाल उठाएं कि वो रुद्राक्ष पहनती थी या नहीं पहनती थी। हिंदू धर्म को वो मानती थी, हम सब मानते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी मानती है और महात्मा गांधी मांगते थे, और उसी धर्म के आधार पर हमारा आंदोलन चला, उसी धर्म के सत्य के आधार पर, और उसी सत्य की हमेशा जीत हुई है इस देश में। इस देश में सत्ता को कोई नहीं पूछता, सत्ता को पूछता है। इस देश में सत्ता नहीं जीतती है, सत्य जीतता है। दोनों तरफ से राम की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी राम की बात कर रहे हैं, राम आएंगे और पूरा उस तरीके से, तो किनके राम सही है? क्या राम सियासत में आने चाहिए? राम देखिए, राम एक ही है, असल राम भक्त। असल राम भक्त वो है जो सत्य के पथ पर चलता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वही राम भक्त है जो सत्य को पकड़ता है और सत्य के पथ पर चलता है। जहां तक मैं देख रही हूँ, भाजपा की सरकार ने एक सत्य का पथ नहीं चुना है, क्योंकि जनता के सामने सत्य नहीं आ रहा है। और मैं इतना कहूंगी कि मोदी जी के सामने भी इस देश की सच्चाई आज दिख नहीं रही है उनको। मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है कि इस देश का जो आम आदमी है, देश का गरीब है, देश का किसान है, देश की गरीब महिला है, कितना तरस रही है, कितना तड़प रही है, कितना तड़प रहे हैं लोग, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और मुझे ताज्जुब होता है कि 10 सालों के लिए सरकार में रहे हैं, इनके पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, ये खुद कहते हैं, अपने मियां मिट्ठू खुद बनते हैं, कहते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू कहते हैं कि इस देश पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोदी जी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं, ठीक है, मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए, महंगाई क्यों नहीं घटाई? My colleague Moshmi joining us from Saharanpur, where she spoke to Priyanka Gandhi a short while ago. Moshmi, where at least the seats of Western UP are concerned, and some of the seats from Rajasthan, where I am, it stopped in terms of the campaign. 5 p.m. the drums have started beating, and now is the time for politicking behind the stage. What can we expect where you are, and also that big interview that you got of Priyanka Gandhi? What's the buzz? Is she looking to fight this election? She's not going to fight. What are you picking up? First of all, Preeti, all the best. I know it's scorching hot there, hotter than where we are in Muzaffarnagar. And clearly you've been panning across and crisscrossing the entire country. So all the best to you. Yes, coming back to all the politicking that's happening, it was the last day, and the election campaign got to its feverish
pitch for the first time on the last day. The India bloc, the opposition also blazing all guns, because we saw a very sluggish start for the opposition earlier last week. We hadn't seen many rallies that were happening in the western UP belt where we are. But today we saw the duo Akhilesh and Rahul Gandhi combine doing a presser, and then Priyanka Gandhi Vadra taking out that roadshow in Saharanpur in favor of Imran Masood, who in fact switched to the Samajwadi Party, then switched to the BSP, and then came back to the Congress's fold right before the Lok Sabha elections in 2024. He'd contested on a Congress ticket in 2019. So it's a very interesting power play of sorts. Perhaps the opposition realizes that it's time to raise the pitch, and it's getting its feverish best. All right, Moshmi, appreciate you joining us. Of course, all eyes on that one big question, and I'm sure my colleague Moshmi is going to get us more on that very soon, on whether the Gandhis are actually going to put their money where their mouth is, which is in Uttar Pradesh. Will they be fighting on those two seats? Let's cut across to the big story today. Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav both held a press conference while they were campaigning in Nagina, another constituency where Uttar Pradesh is concerned, which is going to polls on the 19th of April in the first phase of polling. Rahul Gandhi there said that the BJP won't get more than 150 seats. Forget about Charsopar. BJP ko mujhe lag raha tha 15-20 din pehle ki 180 se 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे. हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है. उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में ईडी गठबंधन जीतेगा और एनडीए का सफाया हो जाएगा. पहला तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको उत्तर प्रदेश की सीमा गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही क्यों नजर आई? गौतम बुद्ध नगर से भगवान गौतम बुद्ध की परिनिर्माण स्थली कुशीनगर तक क्यों नहीं नजर आई? आपको वो सीमा गौतम बुद्ध से कुशीनगर तक नजर नहीं आई? आपको सहारनपुर से बलिया तक नजर नहीं आई? यहां पर मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, दोनों में से कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में से कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और भाषण पूरा दे रहे हैं आकर. यूपी और देश की प्रबुद्ध जनता इसे समझती है.